नागझिरी स्थित उद्योगपुरी में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर तालाब खोदने को लेकर सोमवार को जमकर बवाल मचा। दरअसल तमाम उद्योगपति तालाब खोदे जाने को लेकर विरोध पर उतर आए। देखते ही देखते तालाब खोदने के मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया और विधायक महेश परमार और निगम सभापति सोनू गहलोत तालाब की खुदाई को लेकर मौके पर पहुंच गए। आखिरकार तालाब खोदे जाने के काम को रोक दिया गया। दरअसल नागझिरी उद्योगपुरी में ग्रीन बेल्ट की जमीन पर तालाब खोदने के लिए सोमवार को नगर निगम के सभापति सोनू गहलोत ने भूमि पूजन किया। भूमि पूजन होते ही यहां एक जेसीबी और पोकलेन मशीन से जैसे ही खुदाई शुरू हुई, क्षेत्रीय उद्योगपति इकट्ठे हो गए और तालाब खोदने का विरोध करने लगे। इस दौरान उन्होंने विधायक महेश परमार को भी बुला लिया। उन्होंने तुरंत डीआईसी के महाप्रबंधक आत्माराम सोनी और कलेक्टर आदि को फोन लगाकर तालाब खोदने का काम रुकवा दिया। ये हमारा एक अवंती का उद्योग कल्याण संघ है जी। ये इसमें मैं मार्गदर्शक में संरक्षक में मंडल में है और हमारे दादू अध्यक्ष हैं। इनने बताया कि बिना अनुमति के यहाँ खुद रहे हैं। ये ग्रीन बेल्ट की जमीन है या वृक्षारोपण होना चाहिए, लेकिन ये कोई अब इनके पास कोई अनुमति भी नहीं है। तो हमने पूछा, फिर अनुमति बताओ, तो ये कुछ बताने के लिए तैयार नहीं और बदतमीजी अलग कर रहे हैं। तो अभी कलेक्टर साहब को फोन लगा, कहीं कारणवश कलेक्टर साहब फोन उठा नहीं पाए। तो आपको देख रहे हैं कि इतनी कीमती जमीन है और यहाँ बीच उद्योगपुरी में अगर यहाँ तालाब खोद देंगे, अब तो वो अगर बताना चाहिए पूरा उद्योगपुरी है, तो इन सबके उद्योग धंधे, इसमें इनको पानी रिसाव होगा, यहाँ मजदूर वर्ग भी काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो यहाँ तालाब आप देख रहे हैं उस तरफ, छोटे छोटे बच्चे आप देखो, दुर्घटना घटेगी। तो हमने बात करना चाहा तो बताने के लिए तैयार नहीं और अलग बदतमीजी अलग कर रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रीन बेल्ट की जमीन पर तालाब खोदने के पीछे बगैर रॉयल्टी के अवैध रूप से मिट्टी की खुदाई का खेल है। तालाब खोदने की आड़ में मिट्टी और रेती बेचने का खेल चलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि जिंदल नामक मिट्टी माफिया को फ्री में तालाब खोदने का काम दे दिया गया है, जो अपनी मशीनरी लगाकर तालाब खुदाई से निकलने वाली सैकड़ों डंपर मिट्टी और रेती बाजार में बेचेगा। वो जिंदल साहब हैं, कोई बोले उनकी उनने साहब ने बोला है, बोले हम तो खोदेंगे, तो कहीं मोरा मोरा बेचने के लिए भगवान जाने क्या। पर ये अगर है परमिशन है, किसने अनुमति दी है, तो यहाँ के उद्योगपति की जो एसोसिएशन है इन सबको बताना तो चाहिए ना कि इतना बड़ा उद्योग इन सब लोगों ने करोड़ों रुपये खर्च करके लोगों को रोजगार दे रहे हैं यहाँ उज्जैन शहर के लोगों को, तो क्या कारण है तालाब खोदने का, इसका लाभ क्या है तालाब यहाँ खोदने से। हैरानी की बात यह रही कि उद्योग विभाग की ग्रीन बेल्ट की जिस जमीन पर तालाब की खुदाई का काम शुरू किया गया, उसके बारे में डीआईसी के महाप्रबंधक आत्माराम सोनी को कुछ भी मालूम नहीं था। वहीं खनिज विभाग के अधिकारियों ने भी तालाब खुदाई के काम के संबंध में जानकारी होने से अनभिज्ञता जताई। हालांकि तालाब खुदाई का काम रोके जाने की खबर जैसे ही नगर निगम सभापति सोनू गहलोत को लगी कि विधायक महेश परमार ने काम रुकवा दिया है, बस फिर क्या था, वे तुरंत मौके पर पहुंच गए। इस दौरान तालाब खोदने का विरोध कर रहे उद्योगपति से उनकी जमकर बहस हो गई। बनेगा वो नहीं रुक पाएगा, तो आप लोगों ने काम नहीं, क्या हमारा क्या काम है, क्या हो रहा है, चलते काम को रुकवाए दादा, नहीं काहे के लिए रुकवा रहे हैं, ये बताओ कुछ का हल हो रहा है, चलो बैटरी वाले परेशान होंगे, बोले ताला बना दो। अभी मेरे आज मान लो इनके ट्रक ये ट्रक अंदर जो है ज्यादा आते, देखो अभी जैसे ये खरीद ग्रीन बेल्ट नहीं, वहाँ पे ट्रक आते होंगे और उस पट्टी पे ग्रीन बेल्ट का मैदान नहीं है, सुविधा है उसका तो फायदा लेंगे ना, वो फायदा लेंगे वहाँ थोड़ी देर के लिए, ग्रीन बेल्ट भी होता है, एमिनिटी ग्रीन बेल्ट वगैरह जो है ये नहीं लगता, ग्रीन बेल्ट में ग्रीन बेल्ट होता है, ग्रीन बेल्ट थोड़ी ना सुबह सब बाउंड्री लगा इसमें कोई तकलीफ, ये इतनी जगह थोड़ी ना अपन ने, और इसके पाल की उधर दरअसल उद्योगपति कह रहे थे कि तालाब खोदने से पानी सिपेज होगा, जो फैक्ट्रियों में भरेगा और फैक्ट्री बंद करना पड़ेगी। इधर नगर निगम सभापति ने इसे अपना प्रेस्टिज पॉइंट बना लिया, लिहाजा काफी देर तक उनके बीच गर्मा गर्म बहस होती रही। निगम सभापति ने साफ कर दिया कि तालाब तो बंद कर रहेगा, देखते हैं कौन रोकता है। उद्योगपति अशोक चौधरी, रजनीश जैन, जय हिंद चावड़ा, ओम प्रकाश मोहने आदि का कहना था कि ग्रीन बेल्ट की इस जमीन पर तालाब खुदने से उद्योगों के लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी, क्योंकि जमीन में पानी का सीपेज होगा और उद्योगों में पानी भराएगा। अगर ग्रीन बेल्ट की जमीन का उपयोग करना ही है तो तार फेंसिंग कर पेड़ पौधे लगाएं,
वे भी इसमें आर्थिक सहयोग करने के लिए तैयार हैं। ये ग्रीन बेल्ट की जगह है, इसमें पेड़ पौधे के लिए जगह सुरक्षित रखी जाती है अर्ली इंडस्ट्रियल एरिया में। अब चूंकि यहाँ ग्रीन बेल्ट में पेड़ पौधे होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए, और तो यहाँ ये सरकारी जमीन होती है, इसलिए पेड़ पौधे कौन लगाए, ना कोई उद्योगपति लगाता ना कोई लगाता। तो अभी हमने ये तय किया था कि इस वॉकिंग जोन को बना लें और इसमें पेड़ पौधे लगा के हम इसको डेवलप कर लें। अब चूंकि अचानक तालाब वाली बात आ गई तो ये कोई अच्छी बात नहीं है भाई, इससे उद्योगपति परेशान होगा, केमिकल की फैक्ट्रियाँ वो केमिकल करते हैं, पूरे जानवर मर जाते हैं, वो बदबू अलग आती है यहाँ पे। तो मेरा ये कहना है कि यहाँ पेड़ पौधे लगाए जाए, ना कि इसको तालाब खोदा जाए। आखिरकार नगर निगम सभापति सोनू गहलोत भी मान गए और आखिर में यह तय हुआ कि टेक्निकल राय ली जाएगी, तब तक तालाब की खुदाई रोक दी गई। सुझाव का एक तो ये है कि ये इसकी जमीन है किसके, उद्योग विभाग की, ना नगर निगम के हैंड ओवर हुई है ना किसी के हुई है, इसलिए किसी को भी अन्य व्यक्ति को कोई एक संस्था ऐसी नहीं है जो लीगल के कि हम इसको खुदवा सकते हैं। और इसमें इतनी मोहरम निकाल के अगर यहाँ गड्ढे कर दिए जाएंगे तो आगे यहाँ तो जमीन ही खत्म हो जाएगी उद्योगों में, ना तो कोई चीज़ रख सकते हैं, ना प्लांटेशन कर सकते हैं, ना कुछ हो सकता है। वो अभी ये बोल के गए कि आप एक दो दिन में देख लो आपका निर्णय क्या, किस टाइप से हो कि काम भी हो जाए, विरोध भी नहीं हो, उस टाइप से बोल के गए। तो एक दो दिन में अभी बैठ के बात करेंगे। तालाब खोदने की आपत्ति इसलिए है, यहाँ पर बहुत सारी फूड इंडस्ट्रियाँ हैं और जो भी इंडस्ट्रियाँ हैं उसमें पानी जहाँ रुकता है तो अंदर सिपे जाता है, तो जो हमारे प्रोडक्ट जो हमारे प्रोडक्ट हैं उसको नुकसान होता है। जब तक ये इसके आउटलेट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं बनाएंगे, तब तक ये कोई भी ये जो कार्यक्रम करने का सोच रहे हैं वो हमको नुकसान ही देगा। हमने उनसे ये रिक्वेस्ट करी कि जब तक आप इसके आउटलेट की व्यवस्था प्रॉपर नहीं करेंगे, स्टोरेज अगर आप बीच में कर लेंगे और अगर वो स्टोरेज का पानी नीचे से आओ बन के हमारी फैक्ट्रियों में आता है। अब हमारी फैक्ट्री है फूड इंडस्ट्री की, फूड में अंदर किसी प्रकार का भी पानी आ जाता है तो वो उसका प्रोडक्ट पूरा ख़राब हो जाता है। नगर निगम सभापति सोनू गहलोत के मुताबिक वे इस मामले में उद्योगपतियों के साथ बैठेंगे, चर्चा कर हल निकालेंगे। तालाब इसलिए प्लान किया गया था ताकि क्षेत्र का वाटर लेवल ऊपर आ जाए और पानी की समस्या दूर हो। वीवीएस सेंगर, सिटी चैनल, उज्जैन। हमारे नागजीरी इंडस्ट्री एरिया में ग्रीन बेल्ट की जगह पड़ी हुई है। इंडस्ट्री के ही कुछ हमारे उद्योगपति साथियों ने आग्रह किया था कि जन सहयोग से यहाँ तालाब बनाया जाए जिससे ज़मीन में पानी का रिचार्जिंग हो और पौधारोपण हो, क्योंकि वो जो प्लाट पड़ा है वहाँ भी गंदगी पड़ी रहती है। और इसी दृष्टि के रखते हुए काम शुरू किया था। और उसी स्थान के कुछ हमारे उद्योगपति साथियों कुछ आपत्तियाँ हैं, तो हमने तय करा कि एक दो दिन बाद फिर से बैठकर उनकी आपत्तियों का निराकरण करेंगे और उनको भी कन्विंस कराने का प्रयास करेंगे। और इस बात से उनको भी कोई आपत्ति नहीं कि तालाब बनना चाहिए, पौधारोपण होना चाहिए, किंतु सीपेज की समस्या उन्हें बताई है तो हम तकनीकी लोगों से भी बात करेंगे। और ये हो सकता है कि एक छोटा तालाब बना दिए और प्लांटेशन करने में तो किसी को भी आपत्ति नहीं है, तो मुझे लगता है कि एक दो दिन में उसका निराकरण करके आने वाले समय में छोटा तालाब और प्लांटेशन का काम करने वाले हैं। आज जरूर काम रुका है और परसों सभी के साथ एक बार बैठ कर इस विषय का निराकरण करेंगे। और सबका उद्देश्य है कि भाई हमारी जो ज़मीन के अंदर पानी का लेवल नीचे जा रहा है उसको हम फिर से ऊपर लाएँ और प्लांटेशन करके वातावरण को ठीक करें, इसमें सबकी सहभागिता। और ग्रीन बेल्ट उद्योग विभाग ने छोड़ा इसीलिए है कि वहाँ पर पौधारोपण और पानी की संरचनाएँ निर्मित हो, इसी उद्देश्य को लेकर वो काम शुरू किया गया था।